तो वेलकम वेलकम। चलो भाई, पूरा का पूरा बाइक का हो गया है मॉडिफिकेशन डन। और सब कुछ आपने वीडियो में देख लिया होगा। अब जो है थोड़ी सी काम की बात कर लेते हैं कि बाइक में क्या काम हुआ है। सिनेमैटिक आपने देख लिया कैसा क्या हुआ है, और सिनेमैटिक्स में दिखा दूंगा अच्छे से आपको। बट अभी जो है मेन आपको बताना है कि क्या काम बाइक में करवाया है, कितना खर्चा आया है, और बाइक अब कैसी दिख रही है ओवरऑल बताता हूँ, ठीक है। अभी तक रिवील मैंने यूट्यूब पर नहीं किया, इंस्टा पर थोड़ा बहुत कर दिया था, बट इंस्टा पर फॉलो कर लेना अगर आपको देखना हो। तो अभी जो है देखेंगे अपन कि अपनी बाइक कैसी लग रही है और कितना क्या खर्चा अपना हुआ है। भाई खर्चा सीधे सीधे मैं एक एक चीज़ करके बताता हूँ कि पहले तो बाइक में क्या क्या काम हुआ है। पहला काम देखो, अपना वाइज़र लगा है। उसके बाद सेकंड काम मैंने करवाया है इंडिकेटर का, एलईडी इंडिकेटर लगवाया है, क्योंकि यार वो हैलोजन वाले ना थोड़े से अच्छे लगते हैं और लगते हैं मेरे को, तो मैंने जो है उसमें लगवा दिए एलईडी इंडिकेटर। चारों इंडिकेटर लगवा दिए, दो यहाँ पर लगवा दिए और दो देख लो आप, दो यहाँ पर भी लगवा दिए हैं। तो ये दूसरा काम हो गया अपना कंप्लीट। उसके बाद तीसरा काम एक बार बता देता हूँ मैं आपको, तो तीसरा काम है हमारा आइस का, देख लो। ओ हो कितनी प्यारी प्यारी आइस, देखो कितनी प्यारी प्यारी आइस लग रही है। तो तीसरा काम अपन ने करा है आइस का, जो कि यार बहुत अच्छा लगता है दिखने में। प्रेशर इसमें नहीं डलवाया मैंने अभी आइस में, सिर्फ नॉर्मली जो करवाया है अभी, तो क्योंकि यार प्रेशर की अभी ज़रूरत नहीं थी, तो वायर कटिंग थोड़ा बहुत होता जो मेरे को अभी नहीं करवाना था, वायर कटिंग वाला काम। तो ये तीसरा काम हो गया अपना। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट वाला काम जो अपन ने गाड़ी में करवाया है, वो जो बहुत ज़रूरी भाई साहब, ये है क्रैश गार्ड। ये गाड़ी में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यार ये आपकी गाड़ी को बहुत सारी चीज़ों से बचाएगी। तो क्रैश गार्ड अपन ने डलवाया, ये इसका भी प्राइस मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गई अपनी। अभी चलते हैं पीछे की साइड, जहाँ पीछे अपन ने क्या काम करवाया है। तो पीछे देखो भाई 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 भाई, पीछे हमने जो है निकलवा दी है इसकी टेल, जो यहाँ से लंबी सी टेल आती है यहाँ तक की, वो टेल अपन ने निकाल दी है और इसकी जगह लगा दिया है टेल टाइडी, जो ये छोटी वाली टेल टाइडी होती है ये वही लगा दी। इसमें थोड़ी गड़बड़ हुई थी, पर वो बताऊंगा आपको क्या हुआ था। अपना नंबर प्लेट अपन ने वही वाला लगा के रखा है। उसमें जो है टेल टाइडी में जो है इंडिकेटर्स जो अपन ने एलईडी वाले हैं वो लगवा दिए हैं, आरसी के हैं, आरसी के वाले इंडिकेटर लगवा दिए हैं। टायर अगर यहाँ से हटा दिया है, जिससे का टायर की प्रोफाइल थोड़ी और ऐसा बड़ी बड़ी हैवी हैवी सी लग रही है, जो कि मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। और भाई मेन रीज़न मेरा जो टायर अगर निकालने का था ना, वो ये था कि यार चेन जो क्लीनिंग जो सिस्टम है ना, वो इससे बहुत आसान हो जाता है। टायर अगर वो साड़ी गार्ड निकालने से ना, शो ऑफ तो ठीक है, बट एक प्रैक्टिकल यूज़ भी इसका यही है कि यार देखो, इसमें ना आप इजीली जो है ना आपकी चेन आराम से लूप कर सकते हो और क्लीन कर सकते हो। देखो अभी मेरी चेन कितनी क्लीन हो गई है, पहले ना यहाँ पूरा का पूरा ब्लैक ब्लैक था, यहाँ से ये पूरा ब्लैक ब्लैक था और पूरा गंदा हो रहा था, अभी जो है सब एकदम परफेक्ट हो गया है। और अपन ने लगाया है व्हील कवर, व्हील कवर थोड़ी फिटिंग थोड़ी ऊपर नीचे है, बट इसका व्हील कवर मैं चेंज करूंगा, बट अभी के लिए वाला लगवाया है अपन ने। एक और चीज़ बता दूँ, एक ये रेडिएटर ये भी लगवाया है अपन ने, ग्रिल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रेडिएटर के लिए, तो ये भी अपन ने लगवाई है। तो फटाफट से जो है प्राइस की बात कर लेते हैं और कितना खर्चा मुझे हुआ है इन सब मॉडिफिकेशन में, और अगर आपको भी ये मॉडिफाई करवानी है तो आप कैसे करवा सकते हो वो भी बताऊँगा, ठीक है। तो अगर आपको भी जानना है कि मैंने कहाँ कहाँ से लिया है, तो वो सब आप मेरे को कमेंट में पूछ लेना। अभी थोड़ा जल्दी जल्दी मैं प्राइस बता दूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। वाइज़र मैंने लिया 300 रुपीज़ के आसपास का कुछ, और इंडिकेटर्स मेरे को थोड़े महंगे पड़े। इंडिकेटर्स मेरे को 1000 रुपये के चार पड़े एक्चुअली, KTM RC वाले। और जो अपनी ये जो लाइट होती है, ये जो लाइट है अपनी, ये वाली लाइटें हैं जो ये मैंने जो करवाया है, ये मेरे को पड़ा है 300 रुपीज़ का, ठीक है। और अपना जो क्रैश गार्ड की बात कर लेते हैं, तो क्रैश गार्ड मेरे को पड़ा है 900 रुपीज़ के आसपास का। दो व्हील कवर लिए थे मैंने 400 रुपीज़ के, दो टायर के थे, एक जो है तरुण भाई ने रख लिए, एक मैंने लगा लिए पीछे वाले टायर पे। तो ये भी लिया मैंने, ये 200 रुपीज़ का एक पड़ा अपने को एक टायर का। टेल टाइडी की बात करें तो टेल टाइडी जो 450 रुपये 450 रुपीज़ की ली है अपन ने, अगर वगैरह सब तो हट गया है। बाकी और भी कुछ जो है कुछ सामान ऐसा कुछ है नहीं जो मैं बताऊं। रेडिएटर गार्ड था 300 रुपीज़ का रेडिएटर गार्ड लिया है, और एक विंगलेट भी था यार, आपको विंगलेट मैंने नहीं बताया शायद से। तो देखो ये विंगलेट होता है, ये विंगलेट है, देखो यहाँ से निकल रहा था, ये 100 रुपये का मैंने विंगलेट लिया था। तो कुछ ऐसा कुछ अभी जो है टोटल इसमें हुआ है। और लेबर की अगर बात कर लेना अपन, तो लेबर इसमें अराउंड लग गई मेरी 700 रुपीज़ के आसपास, 700-800 रुपये की लेबर लग गई, क्योंकि हमने क्रैश गार्ड 2-3 जगह चेंज करवाया, लगवा के दिखवाया, बट लोगों से लगा ही नहीं। फिर एक जगह जाके क्रैश गार्ड लगा है, बहुत मुश्किल से, बहुत दिक्कत आई थी इसके बाद। अप्रॉक्सीमेट खर्चा बता रहा हूँ मैं आपको, तो 3-4 हज़ार के बीच में जो है इसमें खर्चा टोटल हो गया मेरा अभी तक, इतना मॉडिफिकेशन करवाने के बाद।
जिसमें गाड़ी जो है बहुत प्यारी दिख रही है अभी तक, और आगे हमारे टाइम पे मॉडिफिकेशन और बहुत सारे होने हैं। टायर प्रोफाइल चेंज करेंगे, एग्जॉस्ट चेंज करेंगे अपन, और भी बहुत सारी चीज़ें नई नई करेंगे, तो वो आने वाले टाइम में करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं। तो कुछ इतना कुछ खर्चा हुआ है, तो आप लोग बताना कितना खर्चा हुआ, सही है कि नहीं है। थोड़ी बहुत चीज़ें जो है महंगी थी, थोड़ी बहुत चीज़ें सस्ती थी, और एक अपने को घाटा हुआ है, जो वो हुआ है अपना जो हज़ार्ड में, हज़ार्ड सिमटेक का लिया था अपन ने, बट सिमटेक का हज़ार्ड जो है लोकल निकला, नकली निकला, दुकान वाले नकली दिया था, अब उसे कुछ कर भी नहीं सकते। तो 650 रुपीज़ का वो था, तो वो अपने को लॉस में गया है 650 रुपीज़। तो ये था सामान, और ज़्यादातर सामान जो है मैंने थोड़ा बहुत सामान जो है दिल्ली से लिया है, जैसे रिंगलेट इसका दिल्ली से लिया है, क्रैच गार्ड इसका दिल्ली से लिया है, व्हील कवर दिल्ली से लिया है, इसकी जो टेल है वो दिल्ली से ली है, और जो हज़ार था वो भी दिल्ली से लिया है। दिल्ली का सामान में थोड़ा सा गड़बड़ है यार, सीधी सट बातें, उसमें जो है आप वहीं के वहीं काम करवा रहे हो तो सही देता है, क्योंकि यहाँ पर जो काम करवाओगे ना आप लेके, तो आपको आधी फिटिंग आएगी नहीं आएगी, और सब दिक्कत आती है। क्रैश गार्ड में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, यहाँ पे टच हो रहा था, यहाँ पे टच हो रहा था, थोड़ा सा भी यहाँ पे टच होता ही है ये, बट अब कुछ नहीं कर सकते यार उस चीज़ का यार, थोड़ा बहुत तो मैनेज करना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं। तो कुछ 3 से 4 हज़ार रुपये के आसपास मेरा भी खर्चा हुआ है इस वाली बाइक में, और कुछ बाइक का लुक है ऐसा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, लाइक वाइक करना, कमेंट करना, फॉलो करना अगर आपको अच्छा लगे तो। बाय बाय।